सुशांत सिंह राजपूत के केस पर अब सीबीआई जांच होने वाली है। कल रिया चक्रवर्ती और उनके भाई को ईडी ऑफिस बुलाया गया था, जिसके बाद से बहुत सारी चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। गुरुवार को जब सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती के समेत 5 अन्य लोग पर एफआईआर दर्ज करवाई थी, तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के इस केस ने एक अलग ही मोड़ ले लिया था। शुक्रवार को ईडी ऑफिस में रिया और उनके परिवार के कुछ सदस्यों से मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस के लिए पूछताछ की गई थी। रिया और उनके भाई ईडी ऑफिस पहुंचे और जैसे ही वो अपनी गाड़ी से उतरे, वहां मौजूद मीडिया ने रिया और उनके भाई चौविक से बहुत सारे सवाल करने शुरू कर दिए, लेकिन दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा और वो ऑफिस के अंदर चले गए। कुछ घंटों बाद रिया से ऑफिसर्स ने सवाल करने शुरू किए। इस दौरान उनके भाई बहुत ही जल्दी में ऑफिस से बाहर निकले और अपनी गाड़ी में बैठे और उनके साथ कुछ पुलिस ऑफिसर भी थे। रिया के भाई शौविक कुछ घंटों बाद फिर से ईडी ऑफिस पहुंचे। कहा जा रहा है कि शौविक को उनके घर से कुछ सामान लाने के लिए कहा गया था। रिपोर्ट्स की माने तो रिया चक्रवर्ती के कॉल रिकॉर्ड को भी सामने लाया गया है, जिसमें बताया गया है कि उनके ज्यादातर कॉल श्रुति मोदी, जो सुशांत की बिजनेस मैनेजर रह चुकी हैं, और सुशांत की मैनेजर सैमुअल मिरेंडा को किए गए हैं। इन कॉल रिकॉर्ड्स की डिटेल्स में ये भी बताया गया है कि रिया ने सुशांत से सिर्फ 147 बार ही बात की है, वहीं श्रुति को 808 और सैमुअल को रिया के कॉल्स 289 बार गए हैं। इसके बाद सुशांत की एक्स मैनेजर रही श्रुति मोदी को भी ईडी ऑफिस बुलाया गया, जहां उनके साथ तकरीबन 5 घंटे तक पूछताछ हुई। हमारे साथ खास बातचीत करते हुए रिया के लॉयर ने बताया कि रिया के साथ साथ उनके पिता और उनके भाई के स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हो चुके हैं। उनके पास हर तरह के डॉक्यूमेंट मौजूद थे, जिसमें आईटी रिटर्न फाइल भी शामिल है। उन्होंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिया ने पुलिस और ईडी को बहुत मदद की है, उनके पास छुपाने जैसा कुछ भी नहीं है। अगर इस दौरान उन्हें फिर से बुलाया जाएगा तो वो फिर से जरूर आएंगी। सुशांत सिंह राजपूत के इस केस को अब सीबीआई को ट्रांसफर किया गया है और अब कहा जा रहा है कि मुंबई पुलिस और ईडी ऑफिस इस इन्वेस्टिगेशन में उनकी पूरी मदद करेंगे। वहीं दूसरी ओर सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने सोशल अकाउंट पर अपने भाई को इंसाफ दिलाने की गुहार की है। उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है, जहाँ कैलिफोर्निया के बिलबोर्ड पर जस्टिस फॉर सुशांत लिखा गया है। वहीं सुशांत की बहुत ही अच्छी दोस्त रही कृति सैनन ने भी अपने सोशल अकाउंट पर सुशांत के लिए इंसाफ की मांग करते हुए कुछ लाइंस लिखी हैं। अंकिता लोखंडे, जो सुशांत के साथ कभी रिलेशनशिप में रहा करती थी, उन्होंने भी सुशांत की मां की तस्वीर के साथ एक कैप्शन लिखा है और शेयर किया है, मुझे यकीन है कि अब तुम दोनों साथ होंगे। रिपोर्ट्स की माने तो सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को फिर से ईडी ऑफिस बुलाया जाएगा और उनसे पूछताछ होगी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक आत्महत्या है या फिर हत्या, इस बारे में हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए हिंदी रश।